नेता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री मुकेश सहनी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ पत्र जारी करते हैं और उसका पालन कोई नहीं करता। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें सभी विधायकों, मंत्रियों को, अधिकारियों को सम्मान करने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हमेशा कहती है कि हम जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिलाने के लिए पत्र जारी करते हैं, लेकिन इनके कोई भी पदाधिकारी उस पत्र को नहीं मानते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। सरकार कमजोर है और सरकार नहीं चाहती है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले, क्योंकि हम ही एक व्यक्ति हैं जो माननीय मुख्यमंत्री, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, मैंने कहा कि प्रतिनिधियों को उनका उचित सम्मान। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर तंज कसा है, उन्होंने ये तंज किस बात पर कसा है? जी हाँ रितांबरा, आज आरजेडी के नेता जो है भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो उनके अधिकारी हैं उन पर साफ तौर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी हैं वो माननीय विधायकों की या मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं और उनको इज्जत नहीं देते हैं, और एक तरफ सरकार फरमान जारी करती है, लेटर जारी करती है कि जितने भी अधिकारी हैं वो विधायकों को सम्मान दें, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की चूक है कि सरकार के अधिकारी ही सरकार की बात नहीं मानते। उत्कर्ष, कुछ समय पहले जब मुकेश सहनी ने एक आयोजन में अपने छोटे भाई को भेज दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन लगता है कि विपक्ष जो है अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है, क्या कुछ कहना है इस पे? जी हाँ रितांबरा, जैसे कुछ दिन पहले हाजीपुर में जो कार्यक्रम था मुकेश सहनी का, जिसमें वो नहीं बल्कि उनके भाई गए थे, इसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था सदन में। कहीं ना कहीं इस बात की इतनी ज्यादा गर्मी फैल गई थी कि उनसे यहाँ तक कि इस्तीफा की मांग कर दी गई थी, जिसके बाद आरजेडी के जो नेता विपक्ष हैं और आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक ट्वीट करके कुछ फोटो साझा किए थे और बात कही थी कि इस तरीके का व्यवहार मुख्यमंत्री और उनके नेताओं द्वारा पहले भी किया गया है, जिसको लेकर फिर से यह बात तुल पकड़ ली। और मुकेश सहनी के बारे में साफ तौर पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम अपने भाई को ही एमएलसी बनाएंगे, फिर मंत्री बनाएंगे और उच्च स्तरीय राजनीति करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह तो कोई बड़ी बात है नहीं उनके लिए। रितांबरा जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया उत्कर्ष। तो आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया है कि मुकेश सहनी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।